नमस्कार। आज काव्य पाठ के अंतर्गत मैं आपके समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है उम्र की ऐसी की तैसी। उससे लोग अक्सर पूछा करते हैं, मैडम आपके बच्चे इतने बड़े हो गए लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं। मैं आज उनसे कहना चाहती हूँ कि हमें जिंदगी का हर एक पल जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि आप कल ही मरने वाले हैं, और जिंदगी में इतना सीखो कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हैं। तो आज मैं यही संदेश देते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कविता उम्र की ऐसी की तैसी। घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभार छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती चलाने देना। कितनी कभी हो फुर्सत, आसमां भी हो साफ, तो एक पतंग आसमां में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। उम्र की ऐसी की तैसी। धन्यवाद।